किसी को अपनी जगह से हिलना नहीं है, वहीं पर खड़े रहो। मंजर भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप जैसी शख्सियतें आज इस मंच की शोभा बढ़ा चुकी है, और बहुत खुशी की बात है और मजीद खुशी हो रही है कि आप अपने काम से वक्त निकाल कर, आप जैसी शख्सियतें जो मसरूफ रहती है मुंबई जैसी भागदौड़ वाली जिंदगी में किसको वक्त मिलता है, लेकिन तब भी आपने वक्त निकाला है अपने गांव के लिए, अपने गांव के त्यौहार के लिए। कुछ तासुरात बयान कीजिए कि ये नाता आपका कैसा है, किस तरीके की आपकी जर्नी है और ये 37 साल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन कहना तो मुझे बहुत कुछ है। ख़ासकर ये जो टूर्नामेंट हम शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये सिलसिला जो है हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे साथियों ने, हमारे बच्चों ने इसको जो कायम रखा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सभी का शुक्रिया गुजार हूँ इस बात पर कि बच्चों ने जो अपना इतना कीमती वक्त देकर, खासकर इस टूर्नामेंट को जमाने के लिए जो बच्चों लोगों ने मेहनत की है। नाम तो मैं चंद लोगों का लूँगा, लेकिन उस नाम के साथ साथ मुझे अगर किसी का नाम ना आए तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के नाम से वाकिफ़ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रब्ता जो है गांव से बहुत कम हो चुका है। काम के सिलसिले से मैं बस आता हूँ और आकर इसे चले जाता हूँ, लेकिन मेरी खुश नसीबी है कि इस वक्त मैं आया गाँव में हमारे आज़ाद भाई कोतवाल करीम के बरकुदर की शादी के, तो एक मेरे लिए तो बहाना था आने का, और बस उस बहाने से मैं रुक गया। और ख़ासकर रुकने की मेरी वजह एक ही थी कि हमारे बच्चों ने जो टूर्नामेंट रखे हैं, अब मुझे फ़ख्र है इस बात का कि ऐसी जो टूर्नामेंट है शायद ही तालुके में तो मैंने कम कह दिया, फिर भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसे गुरूर और फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बड़े नाज के साथ कह रहा हूँ कि पूरे ज़िले में शायद ऐसी टूर्नामेंट को ही ऑर्गेनाइज करता होगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं किसी का दिल दुखाया होगा तो, क्योंकि मुझे फ़ख्र है इस बात का और बड़े नाज के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों ने जो इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, इसको सर अंजाम तक देने के लिए जो कोशिशें की है, जो मेहनत की है, ख़ासकर अव्वल और अफजल मैं नाम लूँगा हमारे नवीद किफायत भेंडू, सॉरी जुनेद किफायत भेंडू, मैं बोला ना मैं नाम तो वाकिफ नहीं था, मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से एक बार। उसके साथ साथ जो है शादाब गाँव कर, फिर उसके साथ और कई सारे ये उमिल कर, उनका नाम तो मैं बोलता ना, मैं जैसे मौलाना ने बताया मुझे वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जो अपना वक्त दिया और जो मेहनत की है उसके लिए मैं उनको ग्रैंड सल्यूट करता हूँ। और उन्होंने जो टूर्नामेंट हो रही है ना, ये उन्हीं की मेहनत है। खासकर हमारी कुछ ही शख्सियत है जो कि हमारे मौलाना खतीब साहब जावेद खतीब, उन्होंने जो बच्चों को साथ में लेते हुए ये जो सिलसिला, ये जो परंपरा कायम रखी है, उसके लिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ हमारे इमाद भाई जो कि हर साल, हर वक्त, हर घड़ी हमारे लिए खड़े रहते हैं और जो हमारी इज्जत अफजाई करते हैं, उसके लिए मैं लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और नदीम भाई मुल्ला,